सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में SBI को जवाब मांगा। चुनाव आयोग को दिए डेटा में बॉन्ड नंबर क्यों नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को SBI को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि 11 मार्च के फैसले में स्पष्ट कहा गया था कि बॉन्ड की पूरी डिटेल्स, खरीद की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी समेत दिए जाएं। लेकिन SBI ने यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया। इलेक्टोरल बोल से बीजेपी को सबसे ज्यादा 6,000 करोड़ चंदा, किसने किसको दिया पता नहीं। चुनाव आयोग ने 763 पेजों की लिस्ट अपलोड की। चुनाव आयोग ने गुरुवार यानी कि 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपने वेबसाइट पर जारी किया। मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है। 12 अप्रैल 2019 11 जनवरी 2024 तक पार्टी को सबसे ज्यादा 6,060 करोड़ रुपए मिले हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस जो कि 1609 करोड़ और तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है जो कि 1421 करोड़ है। हालांकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है इसका लिस्ट जिक्र नहीं किया गया। RSS की बैठक में संदेश खाली सबसे बड़ा मुद्दा। 6 साल में होगी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक, बनेगी मंदिर मुक्ति आंदोलन का आयोजन। RSS की बैठक में 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बैठक में आने वाले प्रस्ताव, पहली राम मंदिर जैसे धार्मिक आंदोलनों को राजनीतिक बनाने से रोकने पर चर्चा। दूसरी VHP और RSS के बीच कोऑर्डिनेशन को और मजबूत बनाने का प्लान। तीसरा मणिपुर में ग्राउंड जीरो पर काम की रणनीति बनेगी। क्या किसी मुस्लिम नेता को नहीं मिलेगा टिकट। राजस्थान में बीजेपी ने कभी नहीं दिया लोकसभा का टिकट, अब कांग्रेस भी उसी रास्ते पर। भाजपा ने राजस्थान में अपनी स्थापना 1980 के बाद से अब तक कभी किसी मुस्लिम नेता को लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया है। कांग्रेस ने कई बार मुस्लिम नेताओं को सांसद का टिकट दिया, लेकिन पिछले 4 चुनाव में कांग्रेस ने भी केवल 2 लोकसभा सीटों पर 3 बार मुस्लिम प्रत्याशी को सांसद का टिकट दिया। 8% दिए को लेकर MP में कर्मचारियों का प्रदर्शन। 52 संगठनों ने आज मंत्रालय पर विरोध प्रदर्शन किया है और क्षेत्र में विज्ञापन सौंपेंगे। मध्य प्रदेश के 12 लाख कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनर्स 8% महंगाई भत्ते की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन करेंगे। भोपाल में मंत्रालय के सामने 52 अधिकारी कर्मचारी संगठन संयुक्त रूप से विरोध दर्ज कराएंगे। जिलों में भी कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। चुनाव आयोग के नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की आज। ADR ने याचिका दायर कर कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में CJI को भी शामिल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आज मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ सुनवाई करेगी। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने मामले को लेकर याचिका दायर की थी। कार्यकर्ता ने नए कानून के तहत केंद्र सरकार को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से रोकने की मांग की है। ADR के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी। वीर राणा फिलहाल सांसद में मुख्य सचिव बनी रहेंगी। 3 महीने के विस्तार पर सहमति बन गई है और 1-2 में आदेश जारी किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव वीर राणा को 3 महीने का एक्सटेंशन मिलना लगभग तय है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। 1 या 2 दिन में केंद्र सरकार इसके आदेश जारी कर सकती है। 3 महीने का एक्सटेंशन मिलने के बाद वीर राणा 30 जून 2024 तक मुख्य सचिव रहेंगी, यानी कि उनके कार्यकाल में ही लोकसभा चुनाव होंगे। ममता बनर्जी के माथे पर गंभीर चोट लगी और टांके लगाने पड़े। वह घर में टहलते समय फिसल गई। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी गुरुवार को यानी कि 14 मार्च को कोलकाता स्थित अपने घर में गिरने से गंभीर रूप से चोटिल हो गई हैं। TMC ने बताया कि उनके माथे पर गंभीर और गहरी चोट आई। इसके बाद भतीजे अभिषेक बनर्जी उन्हें SSKM अस्पताल ले गए, जहाँ उन्होंने कुछ टांके लगवाए। राहुल आज महाराष्ट्र के ठाणे पहुंचेंगे। कल नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा की न्याय यात्रा 17 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुक्रवार यानी कि 15 मार्च को महाराष्ट्र के ठाणे पहुंचेगी। राहुल ठाणे के अंबाड़ी नाका, महापोली गांव, सोलार हनुमान मंदिर, नदी नाका, सोनाले मैदान सहित कई और जगहों से गुजरेंगे। फिर ठाणे के विभंडी
स्थित सोनाल में यात्रा करेंगे। अगले दिन 16 मार्च को न्याय यात्रा ठाणे शहर के पुलिस कमिश्नरेट की सीमा तक बढ़ेगी। राहुल की यात्रा को लेकर ठाणे में पैराशूट ग्लाइडिंग और ड्रोन के इस्तेमाल पर बैन लगाया गया है। ठाणे जिला प्रशासन ने गुरुवार यानी कि 14 मार्च को इसको लेकर एक आदेश भी जारी की है।